नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर वन बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ प्रतिमा है, करुणा शंकर है, सुमेरा है और प्रीति है। शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की इस वक्त की 25 बड़ी खबरों के साथ। कर्नाटक चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका, खड़गे, सचिन पायलट समेत 40 दिग्गजों के नाम। कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, सीएम योगी के अलावा कुल 40 नाम। गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में हो रही एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते नजर आए। कहा, हम 2047 तक नशा मुक्त भारत बनाएंगे। मोदी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला, नेशनल क्वांटम मिशन और सिनेमेटोग्राफ एक्ट में बदलाव को दी गई मंजूरी। शिगांव में जेपी नड्डा ने की चुनावी रैली। कहा, कांग्रेस का मतलब कमीशन, करप्शन और क्रिमिनलाइजेशन। आज एप्पल के सीईओ टिम कुक पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। 18 अप्रैल को मुंबई में पहला एप्पल स्टोर लॉन्च किया था। ममता बनर्जी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन करने की बात पर कहा, फोन करने की बात सही साबित हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। टीएमसी नेता मुकुल रॉय को फिर बीजेपी में शामिल होने की अटकलें। दिल्ली पहुंचकर कहा, मैं बीजेपी में था और हूं। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया का ऐलान, चुनाव के बाद राजनीति छोड़ने का किया ऐलान। कहा, इस चुनाव के बाद चुनावी राजनीति छोड़ दूंगा। दिल्ली में आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के हथियारों का जायजा लिया। अधिक के हथियारों की पुलिस रिमांड मंजूर हो गई है। 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए शूटर अवलेश, सनी और अरुण। अधिक अशरफ हत्याकांड में बड़ा एक्शन हुआ है। हत्याकांड में एसओ शाहगन समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित हुए, लापरवाही बरतने पर कार्रवाई हुई है। कौशाम्बी के कछार इलाके में लगातार लोकेशन बदल रही है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता के साथ आधे दर्जन से ज्यादा महिलाएं होने का दावा। अधिक अशरफ हत्याकांड की जांच तेज हो गई है। एसआईटी ने हत्याकांड से जुड़े 40 सीसीटीवी फुटेज, स्टेशन रोड से अस्पताल तक के सभी सीसीटीवी जुटाए। अतीक के पाकिस्तानी कनेक्शन की जांच करेगा एनआईए। कसारी मसारी के जंगलों से बरामद हथियारों का केस एनआईए के पास। महाराष्ट्र के बीड में अतीक के समर्थन में लगे पोस्टर में अतीक और अशरफ को बताया शहीद, 3 लोग गिरफ्तार। प्रयागराज घटना के बाद एक्शन में यूपी के सीएम योगी, पुलिस और गृह विभाग के आला अधिकारियों के साथ की बैठक। जबलपुर के हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने फिल्मी स्टाइल में किया गिरफ्तार। मूसेवाला के समर्थक बड्डू पटेल को पुलिस ने दबोचा। ऑनलाइन गैम्बलिंग पर नया कानून बनाएगी मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश में जुआ अधिनियम 2023 बनाया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग पर कार्रवाई के होंगे नियम। मैसूर में पटाखे की दुकान में भीषण आग। बोम्बनली झील के पास दुकान में आग लगी। पटाखे की दुकान में आग से अफरा तफरी। और निकाय चुनाव पर बोले शिवपाल, 7 प्रचार करेंगे अखिलेश। बीजेपी के गढ़ वाले इलाकों में करेंगे प्रचार। पश्चिमी यूपी में अखिलेश के साथ रहेंगे जयंत चौधरी। पटना में ताबड़तोड़ गोलियां मारकर जमीन कारोबारी की हत्या। हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। कुली ने जान पर खेलकर यात्री को बचाया, समय पर खींचता नहीं तो पटरी में आ जाता यात्री। जम्मू की सीरत नाज की आवाज पहुंची पीएम मोदी तक। शुरू हुई स्कूल की मरम्मत। 3री क्लास में पढ़ने वाली सीरत ने पीएम को कहा थैंक यू। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना भारत। भारत ने आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ा। यूएन ने जारी किया आंकड़ा, भारत में सबसे ज्यादा 142.86 करोड़ की आबादी।